स्वाधीन ऑटो रिक्शा चलेबार काम करूथिला जेतेबेले से 10 वर्षर थिला सेते बेळठु ता बापांकर मृत्यु होई जायथिला तेणु छोटो बेळु स्वाधीन को ही घरर दायित्व मुंडेबाकु पडिला आउ युक्त दुई पर्यंत पाठ पढ़ी स्वाधीन ता बापांकर ऑटो चलेबार काम धरिनेला। स्वाधीन रो बड़ भौणी सुनीतार बाहाघर रे ता बापा जो उधार करज करथिले सेई टंका कु सुझिबा पई स्वाधीन ता घर भी बिक्री कर देला आउ ता मा साथिरे भड़ा घरे रहिबाकु लागिला। स्वाधीन रो बड़ भौणी सुनीता ता सासु घरे बेस खुशी अछि बस एई कथा पई स्वाधीन भारी संतुष्ट। मा सुनीता दीदी फोन करथिला तुमे कथा हे जाओ तापरे मु ऑटो नै कामरे बाहरिबि। हेलो सुनीता दीदी एइने माँ सह कथा है जा। हाँ सुनीता तू ठीक से खिया पिया करुचु तो माँ एइ समय रे बेसी ध्यान रखिबाकु पड़िबो ताहले जाई पिला भलरे बढ़िबो। एबे तो बस एतिकी इच्छा जे मु शीघ्र आई है जाए आउ स्वाधीन मामू बस आउ गोटे कमी रहिगला केही जने माई डाकिबा वाला आसी जाऊ तापरे मु शांति रे मो बुढ़ी बयस नाती नातुणी मानक सह बीतई देवी। माँ ताहले स्वाधीन पाई गोटे भल झियो बाछिनियो ना जिए से कमी को पूरा करि परिबो। माँ मोर डेरी होउजी परे कथा हेइ जिवो ना। अच्छा सुनीता तते मु परे फोन करिबी हो स्वाधीन रो डेरी हेइ जाउजी। स्वाधीन ऑटो नहीं कामरे बाहरी जाए तार एमती रे भी से दिन डेरी हो जाता पुणी रास्तार बहुत भीड़ भी थिला। से ऑटो स्टैंड रे पहुंची यात्री मानकर अपेक्षा करथिला सेतिकि बेले से देखिला तार जने साथी ऑटो ड्राइवर जने ग्राहकों सह झगड़ा करुची। आरे मैडम सेमिति कोन हुए आपण कहिले एठी पहुंचेई देले टंका देबे पहुंचेई देली मु एबे चुपचाप मो टंका दियंतु। भाई मु आपणंकु कहिली ना रास्ता रे मोर पर्स कोठी पड़ी गला बोली मोर सब टंका सेथिरे थिला आउ मो मोबाइल फोन भी सेथिरे थिला एबे मु टंका कोठु आनिबि। मु आपणंकु कहूची ना मते आपणंकु नंबर दे दियंतु मु घर को जाई सेई नंबर रे टंका पठाई देबी आपण मो कथा सुणु ही नहंती। अरे कोन हैला मदन सकाळु सकाळु झगड़ा कोन पई करूचु। अरे देख ना स्वाधीन सकाळु सकाळु प्रथम ग्राहक मिलिला आउ से भी मते टंका दबा को मना करूची तांको पर्स कोठी हजी गला सेथिरे मु कोन करबी। मदन बेले बेले आमकु लोकों को असुविधा भी बुझिबा को पड़ी थाए। अच्छा सुन कहिलु तोर केते टंका हैला मु तते दे दउची ए मैडम मते परे दे देबे हैला। स्वाधीन मदन को ऑटो भड़ा 100 टंका काढ़ी दे दिए। थैंक यू सो मच मते आपण को नंबर दे दियंतु मु सेई नंबर रे ऑनलाइन पेमेंट कर देबी मो पई आपण को हैरान होबा को पड़िला ना। किछि कथा नहीं मैडम ए नियंतु मो नंबर। स्वाति नामक से झियो स्वाधीन रो मोबाइल नंबर नै निए आउ ता पर दिन स्वाधीन रो मोबाइल नंबर रे टंका ट्रांसफर कर दिए। हेलो आपण को नंबर रे मो टंका पठे दीची आपण चेक कर नियंतु आउ काली पाई आउ थरे थैंक यू आपण अजणा हेबी मोर बहुत सहाय्य कले। स्वाति आउ स्वाधीन एमिति कथा हबा को लागंती स्वाति को स्वाधीन सह कथा हबा पाई बहुत बढ़िया लागुथिला। ता परे थरे दुई थरो स्वाति आउ स्वाधीन मार्केट रे अजाणतरे देखा हे जानती धीरे धीरे दुहे बंधु हे जानती। स्वाधीन जानिबा को पाए जे स्वाति गोटे विराट धनी घर झियो बोली ता परे से स्वाति को बुझाए। स्वाति तुमे बड़ो खानदानी घरर झियो तुमर आउ मो भितरे आकाश पाताल फरक मु जणे साधारण ऑटो चलौथिबा गरीब पिलाटे तुमर आउ मोर एमिति बंधुता रखिबा मते ठीक लागुनी प्लीज आमे आउ देखा करिबानी। हाँ तुमे देखा हबा को मना करुचो किंतु मु तो आज तुमको मो मनर कथा कहबा को आसीथिली मु तुमको बहुत पसंद करे स्वाधीन मोर पूरा जीवन मु तुम साथ रे बितेबा को चाहूची।
एमिति कहु कहु स्वाति कांदी पकाए आउ स्वाधीन ताकु चुप कराए। स्वाति ता मम्मी डैडी को सह ए विषय रे कथा हुए आउ जबरदस्ती करी जीत करी स्वाधीन सह बाह हबा को राजी करै निए। सेपटे स्वाधीन भी ता मा आउ भौणी सह ए विषय रे कथा हुए आउ शुभ लग्न देखि दुहिंकर बाहाघर होई जाए। स्वाति रो व्यवहार बहुत भल थिला, ताकु ए कथा रे किछि फरक ही पड़ु नथिला जे ता सासु घर बहुत गरीब नाही केबे से ए कथा पई मन दुख करूथिला। स्वाति तुमे मते बाहाई खुशी तो अछ ना? एमिति कौन पचारुछ? मु तो बहुत खुशी अछि। तुम घर को आसी एमिति लागुछि जेमिति मु सब पाई जाइछि। मा सुनीता दीदी समस्ते मते केते भल पांती, मते तो लागु ही नहि कि मु मो घर छाड़ी कि सासु घर को आसीछि बोली। सेतिकि बेले स्वाति रो सासु सेठा को चली आसे। स्वाति तांको मुंडिया मारे, बुढ़ी टीए है था मा, आमे भाग्यशाली जे ए घर को तो भली बहुटीए आसिला। भाउज देखो ना, मु तुम पई नुआ चूड़ी आनी दीची, तुमको भलो लागुची ना? आज तुम्हें पूजा रे एटा पिंधिबो। दीदी ए चूड़ी तो सतरे बहुत सुंदर हेची, मु ए चूड़ी निश्चय पिंधिबी, हेले गोटे सर्तरे आज तुमको मो साड़ी पिंधिबाको पड़िबो, आउ मु तुमको निज हातरे सजेई देबी, राजी? स्वातिर कथा सुनी सुनीता आखिरे लुह आसी जाए। से केबे भाभी ही नथिला जे ता भाउजठु ताकु एते स्नेह आउ सम्मान मिलिबो बोली। सतरे एई अल्प किछि दिन रे स्वाति समस्तक हृदय रे गोटे अलगा जागा बनै नैथिला। एबे तो स्वाति को छाड़ी केहि भी रहि पारु नथिले। किछि दिन परे सुनीतार गोटे पुओ जन्म हुए। एपटे स्वाति भी 3 मासर गर्भवती हेई जाइथिला। स्वाति माँ हवा को जाऊची, जेतेबेले एई कथा ता माँ बापा को जणा पड़े सेतेबेले से माने ताको देखा करबा को ता सासु घर को आसंती। आउ स्वाति रो सासु घर देखी दुई जण सारा नाक टेकिबा को लागंती। स्वाति बहु, तू तो बापा माँ को सह कथा होता, रसोई घर चाहा जलखिया मु नै आसुची। आहा ए सब कोन स्वाति, तू एई अवस्था रे भी घर काम करू? तुम घरे कौन चाकर चाकराणी केही नहांती? तुम्हें सब कौन कहू चो रमणी, तुम्हें कौन जानी ना तुम झियो केमितिका भिक्कारी घरे बाहा हेची, दुई ओली खाइबा पाई भी एमानंकु भाबीबा को पडुथिबो, सकाळर तरकारी एमाने राती को खाउथिबे, आउ एमाने कुआडे चाकर चाकराणी रखिबे। हां नाई बापा समिति किछि भी नुहे, स्वाधीन आउ माँ मते केते थर कहिछंती घरे काम बाली रखिबा पाई, हेले पूरा दिन घरे मु खाली बस्ती कौन करिबी, मते भलो लागेनी, आउ एबे तो मु किछि भी काम करूनी, सब काम माँ ही करंती, मते तो उठिबाकु भी दियंतिनी। एही नियंतु चाहा, बहु तते पकुड़ी खाइबाकु इच्छा होउथिला ना, ने मु तो पाई बनै देछि, समुदी समुदुणी आपण भी नियंतु ना। ए नाई नाई मु ऑयली फूड खाएनी, आउ स्वाति तू भी ये सब खानी, ए समय रे फल जूस भल भल खाइबा कथा ना, समुदुणी आपण कोनो एतिकी जानी नहांती, एई समय रे मो झियो को एमितिका खाइबा दउचंती। मम्मी तुम्हें मो पाई टेंशन नियोनी, माँ मोर बहुत जत्न नियंती, मते ठीक समय रे खीर दही जूस फ्रूट परिबा सब खुआंती। सेतिकी बेले स्वाति रो ननंद सुनीता भी आसी जाए। भाउज मु डॉक्टर कठु अपॉइंटमेंट नै सारिची, काली सकाळ 10:30 रे आमे बाहर जिबा, तुमरो चेकअप हे जिवो आउ बाकी इंजेक्शन औषध आमे आसिला बेले नै आसिबा। सुनीता तोर डेलीवरी को हॉस्पिटल रे हेदिला, आउ को डॉक्टर को देखैथिलु? आज्ञा शहर रो बड़ हॉस्पिटल रे जोठी डॉक्टर देविका अछंती। अरे से संस्था सरकारी बेकार हॉस्पिटल टा, स्वाति तू सही हॉस्पिटल को चेकअप पाई जीवू, तोर मुंड फुंड ठीक अछि तो? स्वाति से संस्था हॉस्पिटल को जीवा दरकार नहीं, आमर गोटे मान इज्जत अछि, जदि एमानन को पाखरे तोर चिकित्सा पाई टंका नहीं ताले कोन हैला, मु तोर चेकअप शहर रो सबु ठारु नामी दामी हॉस्पिटल रे करैबी, मु एबे डॉक्टर को सह कथा हे जाउची, आउ तू सबु जिंस पत्र पैक कर, एबे आमो साथी रे चल। को ठीकी बापा तुम घर को?
ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବିନି। ଡକ୍ଟର ଦେବିକା ଯିଏକି ଜଣେ ବଡ଼ ଆଉ ଭଲ ଡାକ୍ତରାଣୀ, ସେ ସୁନିତା ଦିଦିଙ୍କର ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି କରାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋଧେ ତୁମେ ଠିକ୍ସେ ଶୁଣିପାରିଲନି, ମୋତେ କାଲି ସୁନିତା ଦିଦିଙ୍କ ସହ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତୁମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବସିବ ନା ଚାଲିଯିବ? କାହିଁକି ନା ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବେ ଆଉ ସହରରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିଛି, ତୁମ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିନର କରିବାର ସେଇଠି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ସ୍ୱାତିର ସେମିତି କିଛି ବି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା, ଏକଥା ତା ନଣନ୍ଦ ଆଉ ଶାଶୁ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାତି ତା ମା ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା କି ତା ଶାଶୁ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଅପମାନ ନ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ସ୍ୱାତିର ମା ବାପା ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱାତିର ଶାଶୁ ଆଉ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଥିଲା। ସ୍ୱାତି ତା ଶାଶୁ ଆଉ ନଣନ୍ଦକୁ କଳେଇ ନିଏ ଆଉ ସବୁଦିନ ଖୁସିରେ ତା ଶାଶୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।